हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिनी ट्यूब। प्ले स्टोर पर अभी अभी HRSX 2 का एक नया अपडेट आया है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। मुझे तो अभी अपडेट मिल गया है, पता नहीं आपको अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा। ये HRSX 2 का बड़ा ही तगड़ा अपडेट आ चुका है। इसके अंदर अब आप दो कंट्रोलर लगाकर दो प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं दो कंट्रोलर कनेक्ट कर चुका हूँ फ़ोन के ऊपर, लेकिन दोनों फर्स्ट प्लेयर का ही काम करते थे दोनों कंट्रोलर। मतलब सेकंड कंट्रोलर के लिए हमको मोबाइल की स्क्रीन से खेलना पड़ता था, लेकिन इस वाले अपडेट में आप दोनों कंट्रोलर से दोनों प्लेयर अलग अलग खेल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्लेयर पहले कंट्रोलर से खेलेगा और सेकंड प्लेयर दूसरे वाले कंट्रोलर से। तो अभी मैंने ये दोनों कंट्रोलर मेरे कनेक्ट कर चुका हूँ फ़ोन से। अगर आपको कंट्रोलर कैसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आपको आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये दो मैंने कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है। एक वाया OTG कनेक्ट किया हुआ है और एक वायरलेस से कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ से। आप दोनों भी वायरलेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको दोनों अगर OTG से यूज़ करना है तो आप दोनों भी OTG से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाया OTG यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो कोई अलग से ब्लूटूथ से कुछ पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोलर को आप डायरेक्ट OTG लगा के उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये दोनों कंट्रोलर मेरे कनेक्ट है, अभी फर्स्ट वाला कंट्रोलर मेरा लेफ्ट वाला है और सेकंड वाला राइट वाला। अभी मैं दोनों से खेल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों से। अभी दोनों भी एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। इसकी सेटिंग अलग से है, आपको HRSX 2 के अंदर उसकी सेटिंग करना पड़ती है, फर्स्ट और सेकेंड कंट्रोलर की। ये दोनों का सेटअप करना पड़ता है, तो मैं ये दोनों का सेटअप आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको ये सेटिंग बड़ी काम आने वाली है। तो चलो अभी हम कैसे सेटिंग करना है वो देख लेते हैं। अभी हमको पूरी तरीके से गेम की एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। अभी मैं इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ। आप अगर चाहे तो यहाँ से भी उसको रिसेट करके देख लेना। अगर यहाँ से रिसेट करने के बाद, अभी मैं यहाँ से पहले रिसेट कर लेता हूँ इसको, ये यहाँ से इसको मैं अनसेव कर लेता हूँ। यहाँ से अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इन्फो में जाना है और यहाँ से स्टोरेज में जाके क्लियर डेटा कर देना है। अभी मैं मेरा OTG निकाल लेता हूँ, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा सेटअप। अभी आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर कर लेता हूँ, बाकी जो मेरी सेटिंग करनी है वो मैं कर लेता हूँ सारी। अगर आपको कंट्रोलर परचेस करने हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से आपको कंट्रोलर अच्छे रहेंगे HRSX 2 के लिए। ये मेरे पास जो रेड वाला जो कंट्रोलर है, ये मैंने एक 1.5 साल पहले ख़रीदा था कुछ 800 या 900 रुपये में। ये वायरलेस भी काम करता है और वायर पर भी चलता है। ये बहुत अच्छा कंट्रोलर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप जब दो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक सेटिंग भी काम की है, ये वाली ओवरले कैपेसिटी, ये वाली जो है 75, इसको हम कम पे कर देंगे। आप इसको ज़ीरो पर भी रख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके स्क्रीन के ऊपर बटन नज़र नहीं आएंगे। अभी ये हो गया। अभी फर्स्ट कंट्रोलर की हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट Port 1 और Port 2, यहाँ से हमारी दोनों कंट्रोलर कॉन्फ़िगर होंगे। ये Port 1 वाला ये फर्स्ट कंट्रोलर है मेरा लेफ़्ट वाला, तो इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक मैपिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए निंटेंडो स्विच प्रो ये वाला कंट्रोलर, उसके ऊपर ये हमारा हो गया है। अभी हम सेकंड पोर्ट पे आएंगे। सेकंड पोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर हम इसको डुअल शॉक पर ले लेंगे, फिर ऑटो मैपिंग के अंदर अभी ये वाला इसके अंदर शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है। अभी हमको राइट वाले को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम OTG लगा लेते हैं। अभी ये मैंने OTG लगा दिया, अभी उसका USB लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर शो नहीं करेगा, अभी यहाँ पर वापस से टेप करेंगे हम, तो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला शो होगा लगाते ही। इसको सिंपल, जैसे आपके दोनों कनेक्ट हो जाते हैं कंट्रोलर तो उसकी सेटिंग उसके अंदर आ जाती है, मतलब दोनों कंट्रोलर के नेम शो हो जाते हैं। फर्स्ट वाला हमको हमेशा लेफ़्ट वाले पर ही रखना है। अभी चलो हम एक बार गेम को प्ले करके चेक कर लेते हैं कि दोनों कंट्रोलर बराबर हमारे लिंक हुए या नहीं हुए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट वाला कनेक्ट हो गया लेफ़्ट वाला, और ये सेकंड वाला राइट वाला ये भी कनेक्ट हो गया। ये हमारे ऐसे ही हम इसी तरह से दोनों कंट्रोलर को मैपिंग कर सकते हैं।